गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने के दावे भले ही रोज होते हों और इसके आंकड़ों के नाम पर नेता और अधिकारी शाबाशी भी लेते नजर आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सरकार और प्रशासन की नाकामी की मिसाल शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में साफ देखने को मिल रही है, जहां एक परिवार 7 माह से एक तरपाल के दायरे में आशियाना बनाकर रह रहा है। ये तो सरकार व प्रशासन की मेहरबानी है कि उस गरीब परिवार को तरपाल दे दिया था, नहीं तो ये परिवार सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे रात काटने को मजबूर होता। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की कैरी पंचायत निवासी अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित किशनकांत पर वर्ष 2018 की बरसात ने कहर बरपाया और उसका आशियाना उजाड़ दिया। उसका मकान भूसंकलन की चपेट में आ गया और पूरा गरीब परिवार बेघर हो गया। जब यह घटना हुई तब प्रशासन ने फौरी राहत के तौर पर गरीब परिवार को एक तरपाल और कुछ जरूरी सामान जरूर मुहैया करवाया था। घटना को 7 माह बीत चुके हैं और किशन कपूर का परिवार, जिसमें उसकी पत्नी, एक बेटी और 2 बेटे हैं, वे आज दिन तक इसी के नीचे गुजारा कर रहे हैं। किशन की दोहरी मजबूरी है कि एक तो उसकी आर्थिकी ठीक नहीं है, उस पर उसके साथ अपनी अब जमीन भी बाकी नहीं बची है जिस पर वे आशियाना खड़ा कर सके। अब ये परिवार जमीन और मकान के लिए पूरी तरह से सरकार के रहमो करमों पर निर्भर है। इस परिवार को इन 7 माह में बिजली, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही हैं। बिजली नहीं होने से सबसे ज्यादा प्रभाव इस परिवार के 3 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जिनके पास एक तो सर पर स्थायी छत नहीं है, वहीं दूसरी ओर बिजली नहीं होने के कारण वार्षिक परीक्षाएं भी सर पर आ गई हैं। ऐसे में इस परिवार के 3 बच्चे, जिनमें एक छोटी बच्ची भी शामिल है, वे कैसे पढ़ाई करेंगी? दिए की लौ से बच्चे पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आप टेंट में रह रहे हैं और प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की गई है आपके लिए? सर, मैं 16 अगस्त से यहाँ टेंट में रह रहा हूँ सर। और क्या कारण है? स्लाइडिंग के कारण सर। क्या हुआ, क्या था? भूस्खलन से स्लाइडिंग हुई थी 6 अगस्त में सर। फिर स्लाइडिंग होने से एक बार एसडीएम और तहसीलदार कानगो पटवारी आए थे। उन्होंने पटवारी ऐसा पटवारी ने सामान निकाला, बोला जल्दी जल्दी बचने का लाज करो, और बचने के कारण तो फिर दूसरे दिन जो एसडीएम तहसीलदार कानगो आए थे और मौका कर गए थे सर, और स्लाइडिंग हो रही थी सर। उन्होंने मुझे फिर बताया कि काम रहा, हमने बोला कि हमें छोटे छोटे बच्चे हैं काम रहेंगे। उन्होंने बोला कि पंचायत घर चुटता था, और चुटने के बाद उन्होंने बोला कि टेंट देते हैं। ये टेंट उन्होंने दिया और बताया कि साफ जगह में लगा लेना, बस ये मैं टेंट से अपना गुजारा कर रहा हूँ सर। तो आप कितने महीने हो गए? तो 16 अगस्त से यहाँ पर रह रहे ना, आज फरवरी महीना चल रहा है सर। सर्दी का सीजन चल रहा है? चल रहा है सर। कैसे सरवाइव होता है ठंड? ठंड तो ज्यादा लगती है सर, क्या करना, तुम जाना कहाँ पर है, गरीब आदमी कहाँ पर जाएगा? सरकार से क्या मांग की थी आपने? मैं जमीन की मांग की है सर। मौके पर कितनी मदद हुई थी आपको? मेरे मौके 20,000 हुई थी 5 दिसंबर को। हाँ जी। अच्छा, बस यही मिला मुझे सर। एसडीएम शाहपुर कहते हैं कि आपने बोला है कि उनको आपको वन भूमि चाहिए ना कि नहीं, नहीं 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 सर, मैंने जो मर्जी मुझे सरकार देगी, मुझे क्या पता लगता है कि कहीं कैसे क्या लिखा कागज में। आप इस बात से मंजूर करते हैं कि आपको सिर्फ जमीन मिले चाहिए? मुझे मैं मंजूरी है कि मुझे भूमि मिलना चाहिए, वो सरकार जहां पर देगी वहां पर लेना चाहता हूं सर। पीड़ित किशनकांत की बेटी नेहा ने बताया कि वे 10वीं कक्षा की छात्र है और वार्षिक परीक्षा उनके सर पर है, और वे दिए की लो में पढ़ाई कर रही हैं, जिससे उनको पढ़ने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वे डॉक्टर बनना चाहती हैं। आपका नाम? नेहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कैरी से, कॉलोनी। तो क्या प्रॉब्लम है आपको? हमारे घर टूट गए, हमारे घर के ऊपर पहाड़ी गिर गई है, और आज तक मेरे पापा कई बार कहीं भी गए, पूछता मैडम जी के भी पास गए, सरपंचों के पास, डीसी, सभी जगह गए, पर आज तक हमारे हमें जमीन नहीं दी गई। तो आप के घर में लाइट नहीं है? नो मैम। तो कैसे पढ़ाई करते हैं आप? सर, लैंप जलाते हैं। दिए के साथ? यस सर। तो क्या दिए के साथ क्या प्रॉब्लम आती है आपको? सर, दिखाई नहीं देता है सर, जो देखना हो वो दिखाई नहीं देता, और सर गलत फोन दिखते हैं। तो हमारी सरकार है, उससे कोई डिमांड है आपकी कि वो आपके लिए कुछ करे, बच्चों के लिए जो स्कीम चली है उसके तहत आ लाए? यस सर। क्या कहना चाहते हैं?
सर हम कहना चाहते हैं कि हम मेरे पापा को सर जमीन दी जाए और सर हम अपने घर में रहे और सर हमें लाइट मिले, सर हम पढ़ते नहीं हो पूरा दिन। तू पढ़ना चाहते हो आगे? यस। क्या बनना चाहते हो? सर डॉक्टर। वहीं सरकार ने तो इनकी सुध नहीं ली है, लेकिन समाज सेवी संजय शर्मा इनकी मदद को पहुंचे हैं। परिवार की जानकारी जैसे ही संजय शर्मा को मिली तो वे प्रभावित परिवार से मिलने कैरी गांव पहुंचे। संजय शर्मा ने इस परिवार की कुछ मदद की है और उन्हें भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर मदद देने का आश्वासन दिया है। वहीं संजय शर्मा ने सरकार व प्रशासन से मांग की है कि इस परिवार को जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध करवाई जाए और मकान बनवाया जाए। देखिए, ये कृष्ण कुमार जी का घर है, यहाँ पर शाहपुर का कैरी पंचायत के अंतर्गत आता है। आज से ये 6 महीने पहले बरसात में एक लैंड स्लाइडिंग के चलते ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उसके बाद प्रशासन ने इनको यहाँ शिफ्ट करवा दिया एक वो टेंट देके। तो इसी मामले में आज हम लोग यहाँ आए हैं। तो आपने कितनी हेल्प की इस परिवार की अभी तक? देखिए, अब मैं कोई सरकार तो हूँ नहीं, अपने सामर्थ्य अनुसार मेरे जो भी लोग हैं उन सामर्थ्य अनुसार इनकी मदद की गई है। बट यहाँ मदद का दिक्कत यह है कि इनको जमीन चाहिए मकान के लिए। अब कल ही ये मामला उजागर हुआ है मीडिया के थ्रू, और कल ही DC साहब का एक सोशल मीडिया के थ्रू एक बयान भी आया है कि किशन चंद जो है वो एडामेंट हैं, यानी कि एडियल हैं, और वो वन भूमि की ही डिमांड कर रहे हैं। DCR से जो जमीन मिली है उसको लेने से मना कर रहे हैं। अब किशन चंद जी बोल रहे हैं कि मैंने कभी ऐसा बोला ही नहीं, सरकार जो भी जमीन देगी वो मेरे लिए मंजूर है। तो क्या लगता है इसमें प्रशासन जो है वो खुद का पल्ला झाड़ रहा है? देखिए जी, डेफिनेटली ये पल्ला झाड़ने वाली बात है। अब 6 महीने बाद अब आपको एक और बात बताता चलूं कि आप लोग सभी समझते हैं फौरी राहत क्या होती है। मकान गिरता है अगस्त के महीने में और जो राहत की राशि है वो दिसंबर, मिडल ऑफ द दिसंबर में दी जाती है, 5-6 दिसंबर को दी जाती है। अब फौरी राहत के मायने क्या होते हैं? जब हादसा होता है तभी राहत दी जाती है या 6 महीने बाद दी जाती है राहत? तो डेफिनेटली इससे प्रशासन अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। और एक बात और बताता चलूँ, कहाँ है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आवास योजना और कहाँ है मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर जी की आवास योजना है? तो इसका मतलब है ये अफसर अपने प्रधानमंत्री जी की बात को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। इस बारे में जब स्थानीय पंचायत की प्रधान हरीना देवी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के पास अपनी कोई जमीन नहीं है और आवास योजना के तहत मकान के लिए उनका नाम डाला गया है, लेकिन जमीन संबंधित दिक्कत जिलाधीश के माध्यम से ही हल हो सकती है। तो किशन कुमार, इनके लिए क्या प्रावधान पंचायत की तरफ से किया गया अभी तक? पंचायत की तरफ से जो भी हो सकता था वो तो हमने सब किया, पर आगे इनकी फाइल क्यों नहीं जा रही वो हमें नहीं पता क्यों नहीं जा रही है। हमने तो इन्हें कहा था कि पंचायत घर में रह लो, पर वहाँ की छत भी गिरने वाली थी, इसी के कारण वो वहाँ पर नहीं रह सके। इसलिए हमने SDM से बात की तो उन्होंने यहाँ पर टेंट लगवा दिया और यहीं पर रह रहे वहाँ। तो शहरी विकास मंत्री आपके इलाके से हैं, तो उनसे कोई मुलाकात की गई पंचायत प्रतिनिधि की तरफ से? नहीं, नहीं हुई। तो ऐसा क्या मसला है कि पंचायत इस मामले को विधायक या मंत्री तक नहीं पहुंचा पा रही? नहीं, फाइल हमने इनके पास दे दी थी, इन्होंने हमें नहीं बताया कि हमारी फाइल आगे गई है कि नहीं गई है, ये तो बात हमें अभी पता चली नहीं इनसे। वहीं SDM शाहपुर जगन ठाकुर का कहना है कि प्रभावित परिवार से वे स्वयं भी मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि किशनकांत के पास 3 मरला जमीन है और वे लैंड लेस कैटेगरी में नहीं आते हैं। और रही दूसरी बात की, अगर ये कहते हैं कि इनकी लैंडस्लाइड जोन में आता है तो किसी भी एजेंसी या एक्सपर्ट से इसको चेक करवाया जा सकता है कि ये लैंडलेस कैटेगरी में नहीं आते। और दूसरी बात है कि अगर ये चाहते हैं कि इनकी लैंड जो है वो स्लाइडिंग जोन में है तो हम उसको एक्सपर्ट से चेक करवा लेते हैं। अगर वो रिपोर्ट आती है कि वो स्लाइडिंग जोन है तो उसी हिसाब से हम माननीय उपायुक्त महोदय को रिपोर्ट भेज के इनके केस को भेज देते हैं आगे। सर, ये फॉरेस्ट वाली बात जो आ रही है कि फॉरेस्ट लैंड में ही चाह रहे हैं कि जहां टेंट है वहीं पे जगह बनाने की, इसका कोई लिखित प्रमाण उन्होंने दिया है, लिख के दिया है या कैसे कि या फिर बार वाली सुन? अब ये जो हमारा फील्ड स्टाफ है वहां से जो रिपोर्ट मुझे पता चली है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें जहां पे टेंट है वहीं पे बनाया जाए, और साथ में जो है DC लैंड जो आसपास है उसको भी तलाशा तब जा सकता है जब ये लैंडलेस कैटेगरी से बाहर आए। अभी तो वो बात करना भी मेरे ख्याल से लॉजिकल नहीं है कि इनको फॉरेस्ट में दी जाए या डीसी लैंड दी जाए। अभी तक तो ये बात क्लेरिफाई हो कि ये लैंडलेस है कि नहीं है, तो ये फिलहाल लैंडलेस नहीं है।
विडंबना है कि देश में जहां हर कोई अपने आशियाने की बात करता है, वहीं इस परिवार के लिए ना तो प्रशासन कोई नीति बनाने में कामयाब हुआ है, ना ही लोग इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बरसात में आशियाना गंवाने वाले किशन के परिवार को अब राहत कहां से मिलती है, ये देखने की बात होगी। एच टुडे के लिए धर्मशाला से निर्भजीत निप्पी की रिपोर्ट।